नेशनल पार्टी आम लोगों के हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगी। पल सिरामिक्स इंडस्ट्री ने हफ्ते मजदूरों को हकूक ना दिए तो ईद के बाद दमादम मस्कलंदर होगा। इन ख्यालात का इजहार नेशनल पार्टी लसबेला के जिले सदर अब्दुल गनी रिंद ने इतवार के रोज रिपोर्टर्स प्रेस क्लब हब में पल सिरामिक्स इंडस्ट्री से जबरी तौर पर निकाले गए मजदूरों के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने लसबेला के अवाम को तनहा छोड़ दिया है, लेकिन नेशनल पार्टी हर मुश्किल घड़ी में अपने अवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। फैक्ट्री से निकाले गए मजदूर 4 माह से अपने जायज हकूक के लिए मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन लसबेला के जिले इंतजामिया इनके जायज मसाइल हल करवाने में दिलचस्पी नहीं रखती। इस वक्त ईद सर पर है और इस तूफानी बारिश में मजदूर सड़कों पर एहतजाज करते फिर रहे हैं। इनको हुकूमत के ऐलान करदा 4 माह की तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं। उनका कहना था कि अगर मुतासर फैक्ट्री मुलाजमीन के मसाइल हल ना किए गए तो ईद के बाद लसबेला के इंतजामिया और फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। इस मौके पर मुजाहरीन ने लसबेला इंतजामिया और फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ भरपूर नारेबाजी भी की। उसके बावजूद उसने क्या किया, स्टे का इन्होंने जाके पर्चा वहाँ चिकित्सा किया, उसको सोयल एडमिन ऑफिसर है वहाँ, उसने फाड़ के उसको फेंक दिया और उस जो है दूसरे बाहर से मजदूर को ला के उसके काम सफाई का काम शुरू किया ताकि वो अपने देश को स्टार्ट करें और इन बंधु के साथ रबते में ही नहीं, तकरीबन 150 के करीब होंगे। तो ये 4 महीने से मुतवादतन करके आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक दिन का एक मजदूर कमाता है वो खाता है, एक महीने तक चलो वो बर्दाश्त उन्होंने किया, तकलीफें सही बर्दाश्त किया, लेकिन 4 महीने तक मुतवादर आप उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, ये कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? ये गरीब लोग हैं, इनके पास और वसाइल तो नहीं है, ये मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, आप उसके बच्चों से उनके पेट एक नवाला वोट छीन रहे हैं होंगे या 20 लाख होंगे एक महीने का, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, एक आम बंदा भी इसका वो कर सकता है, अरेंजमेंट कर सकता है, तो आप इन गरीबों को दें ताकि इनके चूल्हे जो बुझे हुए हैं वो गरीब अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करें, उनके जो है दूसरे इखराजात हैं उनके लिए कुछ कर सके, लेकिन ये बिल्कुल इनकार ही है देने से, वो गवर्नमेंट के अहकाम को ही नहीं मानते।